गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू येट अनदर लेक्चर फ्रॉम सागर कॉलेज ऑफ साइंस। तो छुआ मैंने वी आर ट्राइंग टू डेवलप वन ऐप, आम गोटे ऐप टे तैयारी करने चेष्टा करूँ जहाँ फल कि तुम मानक आहरी टी सुविधा आम लेक्चर गुड़िक तुम मैंने पाई। इट इज अंडर प्रोसेसिंग, होप सो दैट आम बहुत शीघ्र कंप्लीट करी तुम मानक से पहुँचेबू। टिल देन स्टे ट्यून्ड, आउ प्रतिटा लेक्चर तुम मैंने देख कि आम कौन तुमको मानने कौन कौन ये करवाई जाऊ, राइट। सो छुआ मैंने लास्ट क्लास रे मु तुमको तीन टा मेथड सिखेली। कौन मेथड सिखेली? केमिति आम पार्सल फ्रैक्शंस रे ब्रेक करिबा। तो पार्सल फ्रैक्शन विषय रे चिंता करिबा पूर्वरु आमे फास्ट देखिबा जे डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर मस्ट बी ऑलवेज लेस देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। जदि सेटा हायर अच्छी तो आइदर लॉन्ग डिविजन नहले फैक्टराइजेशन किछि भी करिकी आमर मूल लक्ष्य रहिबो कि आगे ऊपर पावर टाकु तळ पावर थारु सानो करिबा आमे। तापरे सेकेंड केस हला जे आमे सानो करि साइला परे कोन करिबा? तो सानो करि साइला परे आमे स्प्लिट करिबा ताकु पार्सल फ्रैक्शंस रे। अच्छा, जदि स्प्लिट करिबा आमे ताकु पार्सल फ्रैक्शंस रे तो को भलिया स्प्लिट करिबा? तो आंसर इज आमे डिनोमिनेटर को देखिबा। डिनोमिनेटर रे जो फैक्टर गुड़ी को आमर अछंती तांकर नेचर टा कोन? तो तांकर नेचरटा जदि नॉन रिपीटेड लिनियर हेबो तो आमे ए बाय समथिंग, बी बाय समथिंग, सी बाय समथिंग करिकी करिबा। तांकर नेचरटा जदि रिपीटेड लिनियर हेबो ताहले ए टू ए वन एमती, बी टू बी थ्री एमती करिकी करिबा। तांकर जदि नेचरटा नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक हेबो ताहले ए एक्स प्लस बी बाय एतिकी, सी एक्स प्लस डी बाय एतिकी, एटा हला तारो फ्लैट रूल, राइट। आगामी को आहरी रिपीटेड क्वाड्रेटिक अच्छी किंतु सेटा तुम्हारो कोर्स रे नहीं। इफ यू परसू बीटेक और प्लस थ्री विथ मैथमेटिकल साइंस तुमको हुए तो सेटा रे पढ़ा जाई पारे, हला। ताहले छुआ मैंने आज आम कौन करवा तुम्हारो ये नाइन एक्सरसाइज नाइन एफ जे अच्छी सेटा को कम्प्लीट करदेबा। आम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर थ्री पर्यंत जाई सारी। क्वेश्चन नंबर थ्री रु किटा करी किंतु खुशी कथा यहाँ है जे यही थर मोठ बेसी प्रॉब्लम तुम मैंने करईर, राइट। आउ से तुम्हें ऑलरेडी हुए तो क्वेश्चन नंबर थ्री पर्यंत सारी दे थो, जो मैंने सारी ना ताकु जल्दी सारी दियो, राइट। आज आम स्टार्ट करवा क्वेश्चन नंबर फोर अनवर्ड्स, ठीक अच्छे। तो क्वेश्चन नंबर फोर रो बिट नंबर वन कौन कहूँ देखिदबा। क्वेश्चन फोर बिट नंबर वन एटा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ केते दिया है ना डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस फाइव दिया है। ओके, तुम्हें चाहिले छुआ मैंने एटा को ए माइनस बी ए प्लस बी करिकी ताकु भांगी पारिब, तो ताकु भांगी दियो। तुम्हें कौन कर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स माइनस रुट फाइव इंटू एक्स प्लस रुट फाइव। ओके, एबे छुआ मैंने तुम्हें कहबे सर ये तो आम डायरेक्टली ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रो सूत्र पके दे थांते। तो आंसर है हाँ पके दे थांते, जदि सेटा एक मार्क रही थांता से समय रे आम पके दे थांते। जदि आम गोटे बड़ इंटीग्रेशन करी करी का आसुचे आ बाटरे आकु जदि आम देखा करी थांते ताहले सेठी आम पके दे थांते। किंतु जदि एटा चारि मार्किया क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला पके वाटा टिके वाइज हेबनी मो हिसाब रे, तो आम से ताकु एलाबोरेट करी की करिबा। किंतु जदि एटा आमको रास्तार मिलीगला आम ता बदलारे फर्मूला पकेदबा। किंबा जदि आमको एक मार्किया क्वेश्चन पचारिब कि यही इंटीग्रेशन रो मूल्य केते हबो तो आम ताकु डायरेक्टली फर्मूला पकेदबा। ओके, तो एटा को एमती हला छ माने एबे एटी सबु जहां लेखिबा कथा लेखिब डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर, सो इट इज अ प्रॉपर रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन स्प्लिटिंग इनटू पार्सल फ्रैक्शंस। एटा को तुम पार्सल फ्रैक्शंस रे स्प्लिट कले तुमर एटा नॉन रिपीटेड लिनियर फॉर्म को आसीबो, एटा तुम करी पारिबा कथा।
a divided by x minus root 5 plus b divided by x plus root 5. Right? तापरे बजर गुणन करिकी ए बी रो वैल्यू बाहरी जिवो आ हमरो आंसर केते आसीबो हमरो आंसर आसीबो 1 by 2 into root 5 1 by 2 a ln x minus root 5 divided by x plus root 5 रो mod plus c this is the case राइट एटा करी पारिबा कथा तो छ माने तमे आठारु डिफिकल्ट प्रॉब्लम गुडी को करिछ तो एटा भगवान को दया रु आराम से तमे करी पारिबा कथा a by x minus root 5 plus b by x plus root 5 एमिति करी की a आउ b रो वैल्यू बाहर करो इंटीग्रेशन करले तो लॉग आसी जिवो राइट करी पारिबा ना नहीं एटा हां ओके आई विल गो टू क्वेश्चन नंबर 4 बिट नंबर 2 क्वेश्चन 4 बिट नंबर 2 टा कोण कहउछि देखिबा इंटीग्रेशन ऑफ केते दिया हिछि छ माने dx / 2x स्क्वायर प्लस 8x + 7 एबे तमकु मु आरंभ रु गुटे कथा कहि छि छ माने कि जेते बेले भी तमे क्वाड्रेटिक टर्म देखिबो ना तो ताकु तमे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किंबा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रे चेंज करिवो एटा आमे आजि करू नहे एटा मासे हलानी तमे मार्क करो आमे सेई जिंसटा करू छे आ आगामी को भी आमे सेई जिंसटा करी करी का चालिबा आमे एटी देखी देले जे एटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अछि ताकु आमे पूर्ण वर्ग करी किना सॉल्व करिवा राइट तो एटा को कोण करिवा देखो एटा हे जिवो इंटीग्रेशन ऑफ dx / एटा हे गला छ माने केते फर्स्ट ऑफ ऑल पूर्ण वर्ग करला को करबा को हेले x स्क्वायर रो कोफिशिएंट ताकु आमे को 1 करिवा पई पडिवो x स्क्वायर रो कोफिशिएंट ताकु 1 करबा को हेले मते 2 गुटे एटू कॉमन बाहर करबा पई पडिबो 2 जदी गुटे कॉमन बाहरी जाए ताले एटा हे जिवो x स्क्वायर आ एटा हे जिवो 4x प्लस एटा हे जिवो 7 डिवाइडेड बाय केते छ माने 2 हे जिवो ता परे एटा को मु स्क्वायर कंप्लीट करबा पई चेष्टा करबी तो एटा हे जिवो इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय ये हे गला a स्क्वायर 4 को मु लेखि परिबी 2ab आउ प्लस b स्क्वायर माने हला 2 रो स्क्वायर प्लस 7 बाय 2 मोर थिला माइनस 2 रो स्क्वायर एमति करि किना मु एडजस्ट करि देली एउ टू नै कि एतकी पर्यंत छ माने एटा हेबो केते ना x प्लस 2 रो होल स्क्वायर हे जिवो आउ ये केते हे जिवो 7 बाय 2 माइनस 4 तो एटा हे जिवो 7 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 7 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 हे जिवो छ माने 1 डिवाइडेड बाय 2 आउ जदि मुंडा बलिया सीधा सीधा हिसाब किताब करिवो 7 बाय 2 माने हला 3.5 3.5 एटा हला 4 3.5 माइनस 4 कले माइनस 0.5 हमकु मिलिवो ओके तो एटा पूरा कंप्लीट हे गला परे छ माने हमें केते पाइबा 1 बाय 2 इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय केते हबो x प्लस 2 रो होल स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 1 बाय 2 टाकु मु लेखि परिबी 1 बाय रूट 2 रो होल स्क्वायर छ माने बुझी हला ना नाही समस्तंकर बुझी हला एबे आमे एठी कोण करबा सिंपली x प्लस 2 टाकु नै जिबा z डायरेक्टली कोले भी हेइ थंता किंतु सिस्टमेटिकली कर dx टा हेइ जिवो हमर dz तो ए इंटीग्रल टा केते हेइ जिवो छ माने 1 बाय 2 इंटीग्रल ऑफ dx by z square minus 1 by root 2 रो होल स्क्वायर राइट तो ये देखो एबे जो जिंसटा आसिला ये हमकु रास्ता रे मिलिला
गत थर जो क्वेश्चन टा दिखाई से आमको डायरेक्ट दिखाई से मु मना कली जे तुम फर्मूला पकेब ना कहीकि किंतु एथर देख से क्वेश्चन टा वर्तमान पुणी मो पाक पलि आसला किंतु एथर से मत डायरेक्ट मिली ना एथर से मत बाटर मिलगला मत मु क्वेश्चन रो आंसर सॉल्व करी करी का आसुथली आ बाटर पाइगली क्या आकु एबे आउ एठी पार्सल फ्रैक्शन पके कि मु सिचुएशन टाकु आउ लंबा करिवा पई चाहिबिनि मु से ऑन द अदर हैंड कोन करिवि सिंपली ए फार्मूला टाकु सेठी पुट कर देबि तो केते हे जीव छ माने आंसर आंसर हला 1/2 आगरु मो पाखरे थिला प्लस फार्मूला रे अछि 1/2 इनटू ए टा केते अछि 1/√2 तो ये जदि 1/√2 हे तो रुट टू टा ऊपर को पलिजी एटा है 1/√2 तापर हेगला ln ये एक्स माइनस 1/√2 बाय एक्स प्लस 1/√2 प्लस सी ये गोटे गोटे रुट टू कटिजी तो आसब 1/√2 इंटू ln ये केते √2x-1 डिवाइडेड बाय √2x+1 प्लस सी एटी जदि मु √2 टाकु एलसीएम नै जिबी तो ऊपर तले √2 कैंसल हे जिवो तो आमको आमर आंसर टा छुआ माने मिलि जिवो इट इज वेरी वेरी इजी खाली कोन करिवार अछि केतेटा बेसिक नियम नियम एतिपाई बना है छी कि केही ताकु भांगे ना बोले सिस्टमेटिक रे सिस्टम रे चालीबा पाई नियम टा बना है छी तो आमर कोनसी अधिकार नहीं आमे कोनसी नियम को भांगी की सिस्टम रे काम करिबा सेतिपाई जो छुआ भी केबे भी नियम न भांगिबो तारो प्रॉब्लम केबे भूल हेबार चांस ही नहीं बुझिपल तो ए जिनसटा हला आमर कथा नेक्स्ट आम जीवा क्वेश्चन नंबर 4 बिट नंबर 3 पाक तो क्वेश्चन नंबर 4 बिट नंबर 3 टा कौन कौच देखीदबा एटा हूँ से जिनस एक्स प्लस 3 अच्छी खाली सो एक्स प्लस 3 क्वेश्चन नंबर 4 बिट नंबर 3 एक्स प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय केते अछि छ माने एटा 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 राइट एतिकी अछि मो पाखरे तो पुणी आमे सेइटा को एटी मु आउ टाइम वेस्ट करु नाही जेहेतु मोर वीडियो टा लंबा हि जिवो तमकु ऑलरेडी मु एटा को भांगी की लास्ट प्रॉब्लम रे देखै दैथिली तो तुम्हें किंतु करिब तो ये x प्लस 3 हला ये केते हितला x प्लस 2 रो होल स्क्वायर हितला माइनस 1/√2 रो होल स्क्वायर हितला कि नहीं हां डायरेक्टली प्लीज छ माने लेखिबनी ताले एबे कोन हब देखो मु कोन सिखैथिली तुमको एठी जहां अछि सेगा मते एठी दरकार तो आमे कोन करिवा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 रो होल स्क्वायर माइनस 1/√2 रो होल स्क्वायर इनटू डीएक्स ओके तापरे कोन करिवा एटा तमे बहुत थर करि सारी छ लेट एक्स प्लस 2 टाकु धरि दबो जेड डीएक्स टा हे जिवो छ माने कहां सहित समान तो आंसर हला डी जेड सहित तो मोर इंटीग्रल टा कहां सहित समान हे जिवो जेड प्लस 1 डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर माइनस 1/√2 रो होल स्क्वायर इनटू डी जेड आकु पुनी मु दी भाग रे भाग कर देबी इंटीग्रल ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर माइनस 1/√2 रो होल स्क्वायर डी जेड प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर माइनस 1/√2 रो होल स्क्वायर इनटू डी जेड एबे 50 थर आमे सिखी सैलनी पॉइंट टू बी नोटेड व्हाटएवर पॉइंट इज टू बी नोटेड दैट इज टू बी नोटेड
କାହିଁକି ଏଇ ଜିନିଷଟା ବାର ବାର ଆମ ପାଖରେ ଆସିବ ଛୁଆମାନେ ଏଇ କଥାଟା ତ ଆମେ ପୁଣି ଦେଖିଲେ ଏଇଠି ଜେଡ୍ ଅଛି ଏଇଠି ଜେଡ୍ ସ୍କୋୟାର ଅଛି ସିଚୁଏସନ୍ର ଲାଭଟା ନିଅ ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଛୁଆମାନେ କେତେ 1/2 × 2 କରିଲେ କ'ଣ ହେବ ଉପରେ ହେଇଯିବ ଡେରିଭେଟିଭ୍ ତଳେ ହେଇଯିବ ଫଙ୍କସନ୍ ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ହାଫ୍ ଏଲେନ୍ ଜେଡ୍ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 1/√2 ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ ଏଇଠି ଫର୍ମୁଲା ପଡ଼ିବ 1/2a ତ 1/2a ମାନେ 1/√2/2 ହେଇଯିବ ଏଲେନ୍ ମଡ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ 1/√2/(x+1/√2) ପ୍ଲସ୍ ସି ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆମର ଫାଇନାଲ୍ ଆନ୍ସର ଛୁଆମାନେ କେତେ ଆସିବ ଏଇଟା ଆସିଯିବ ଏଲେନ୍ ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଅଫ୍ ରୁଟ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଏଇ ହାଫ୍ଟା ତାର ପାୱାରକୁ ପଳେଇଲା ଆଉ ଜେଡ୍ ବଦଲାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ x+2 ପକେଇଦେବି ତ ଇଏ ଆସିଯିବ 2x² + 8x+7 ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 1/√2 ଏଲେନ୍ √2x-1/√2x+1 + c ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ୟର୍ ଆନ୍ସର୍ ଛୁଆମାନେ ବୁଝି ହେଉଛି ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ହଁ ସିମ୍ପଲ୍ କଥା କି ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ୟୁଜ୍ ଦ ଫର୍ମୁଲା ବଟ୍ ୱେନ୍ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ୟୁଜ୍ ଦ ଫର୍ମୁଲା ଓନ୍ଲି ଅନ୍ ଟୁ ସର୍କମ୍ଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ୱାନ୍ ୱେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆସ୍କ୍ଡ ୟୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ୱେନ୍ ଦ ନେଚର୍ ଅଫ୍ ଦ ଅର୍ ଦ ୱେଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ମାର୍କ୍ସ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ୍ ୱେନ୍ ୟୁ ଆର୍ ଡୁଇଙ୍ଗ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ମିଡ୍ ୱେ ୟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ କମ୍ ଏକ୍ରସ୍ ଦିସ୍ ଫର୍ମୁଲା ଦେନ୍ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ପୁଟ୍ ଦିସ୍ ଫର୍ମୁଲା ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ ଗୋଟେ କରୁଥିଲା ବେଳକୁ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଗଲେ କରିବ ନହେଲେ ଏକ ମାର୍କିଆ ଦେଲେ କରିବ ଏଇ ଜିନିଷଟା ରାଇଟ୍ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4 ବିଟ୍ ନମ୍ବର 4 ପାଖକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 4 ବିଟ୍ ନମ୍ବର 4କୁ ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ କହୁଛି ହେଲା ତମର ବହି ଛୁଆମାନେ ଯେତିକି ତାର ତାରିଫ କରିବ ସେତିକି ମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବହିଟେ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ତମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଉପରକୁ ସେ ଚଢ଼ଉଛି ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4 ବିଟ୍ ନମ୍ବର 4 ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଅଫ୍ କେତେ 4x² + 20x + 25 / ଓ ଏଇଟା ତଳ ଜିନିଷଟା ସମାନ ଅଛି ଛୁଆମାନେ ଆମ ମୋ ପାଇଁ ଲଟେରୀ ଲାଗିଗଲା କାହିଁକି ମୋତେ ବେଶୀ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି ତମକୁ କିନ୍ତୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ରାଇଟ୍ ମୋ ପାଖରେ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି ତ ମୁଁ ଏଇଠି ନ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କରିକି ବି ତଳ ଜିନିଷଟାକୁ ପାଇଯିବି କିନ୍ତୁ ତମେ ସେଇ ଜିନିଷଟା କରିବନି ରାଇଟ୍ ଆଚ୍ଛା ଯାହା କର ନା କର ଛୁଆମାନେ ଫାଷ୍ଟ କଥା ତ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆସିଗଲାଣି ତ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଆସିଗଲାଣି ସାର୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମସ୍ୟା ଯେ ନ୍ୟୁମରେଟରର ପାୱାରଟା ଡିନୋମିନେଟରର ପାୱାରର ସହିତ ସମାନ ହେଇଗଲାଣି ଓହୋ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ତ ଆମେ ଡିନୋମିନେଟରର ପାୱାରକୁ ବଡ଼ କରିବା ଆଉ ନ୍ୟୁମରେଟରର ପାୱାରକୁ ସାନ କରିବା କେମିତି କରିବା ବାଇ ଲଙ୍ଗ ଡିଭିଜନ ମେଥଡ୍ ତ ପକେଇବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି କ'ଣ ଲେଖିବାର ଅଛି ତମକୁ ଜଣା ଅଛି କ'ଣ ଲେଖିବ ହିୟର୍ ଦ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଦିସ୍ ଏଫେକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଦିସ୍ ମଚ୍ ହିୟର୍ ଦ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ୍ ଦ ନ୍ୟୁମରେଟର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ୍ ଦ ଡିନୋମିନେଟର ହେନ୍ସ ୱି ୟୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ ଡିଭିଜନ ମେଥଡ୍ ତ ଲଙ୍ଗ ଡିଭିଜନ ମେଥଡ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଏମିତି ଛୁଆମାନେ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଲେ କେତେ ହେବ 4x² + 25 / 2x² / 8x² / 7 ଏବେ କେତେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ମିନିମମ୍ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆସିଯିବ ତ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ 2 ସୋ ୱେନ୍ ୟୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ଇଟ୍ ବାଇ 2 ୟୁ ଆର୍ ଗେଟିଂ 4x² ଦେନ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ୟୁ ଆର୍ ଗେଟିଂ 16x ଦେନ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ୟୁ ଆର୍ ଗେଟିଂ 14 Now if you subtract, so subtracting we get, this term is going to get cancelled out.
20x minus 16x will be 4x. Again, 25 minus 14 leaves you with 11. So this is 11. So ultimately now we have successfully reduced the power of the numerator to 1. Ebe ame kona kalu? Numerator ra power taku kamei kina denominator ra power tharu kamei dalu. Ebe taku sajaiba kemti? To ame sajai pariba kete? Fx is equal to bhago phala plus bhago sesa harana bhajaka. ओके भाग फल प्लस भाग शेष हरण भाजक एतिकी हे गला. नाउ व्हेन यू इंटीग्रेट एफएक्स तो एफएक्स को इंटीग्रेट कला बेलकु एटे आसी जीवो इंटीग्रेशन ऑफ एफएक्स डीएक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4एक्स प्लस 11 बाय 2x square plus 8x plus 7 into dx. Okay. Now, a integration taku kona karivar achi? Right. A taku kona karivar achi? I1 nei jivar achi. I1 ro integration ku alga bahar karivar achi. Taro answer ku aniki puni 80 basai davar achi. Right. Ete jaye tome mane a pattern taku huye to dhari parithivo. Okay. एबे छुआ माने आमे कोण करिबा देखो आमे पुनी नेक्स्ट स्टेप रे ता बदला रे केते नै जिबा एटा को i1 नै जिबा आमे ठीक अछि चलो i1 नै जिबा i1 ओके नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ i1 वेयर i1 इज इक्वल टू i1 ता केते आमे देखिबा i1 इज इक्वल टू तो i1 I1 is nothing but integral of 4x plus 11. Mu 80 ke shortcut mari dali. X plus 2 ra whole square minus 1 by root 2 ra whole square. So mane 80 ke moisture lagi jaichi. Gote kamo kariba. We will see this. हाँ एटा है जो एटकी हला छुआ माने एबे मु तमकु कोण कहितली जोटा 80 अछि सेटा मते 80 दरकार बोली कहितले ना नै तो कहितली तो एटा को कोण करबा देखो इंटीग्रल ऑफ एटा तो 4x अछि मते 80 किंतु केते दरकार केवल x दरकार मते ऊपर x plus 2 दरकार छुआ माने ओके अच्छा जदि एमिति होउची मु 4 गुटे कॉमन काढ देबी 4 गुटे कॉमन काढ देले x plus 11 डिवाइडेड बाय 4 हे गला होल डिवाइडेड बाय केते हे गला x plus 2 रो होल स्क्वायर माइनस 1 बाय रूट 2 रो होल स्क्वायर इनटू dx एबे x plus 2 मते दरकार उपरे जहाँ किछ भी है जाओ and that is the good thing of mathematics जहाँ किछ भी दरकार ताकु नहीं जीवो परे फेरे दबा कौन अच्छी हैला तो आमे कौन करीबा देखो चो मने 4 into integral of x plus 2 मु आगे तो नहीं गली ता परे मो पाखरे थिला 11 divided by 4 साथ ता देहरु मो पने 2 टे माइनस कर देली करी दली एबे करी दला परे तले रही गला केते x plus 2 रो होल स्क्वायर माइनस 1 by root 2 रो होल स्क्वायर इनटू dx एबे 11 minus 8 by 4 हे गला एटा 3 by 4 हे जीवो 3 by 4 को मु जहा भी लेखि परिबे से जहा भी हो अच्छा एबे कोण करिबा छ माने x plus 2 टाकु आमे z धर दबा जमती सबु बले धरु थिले dx टा है गला छो मने मोर dz तो मोर जे इंटीग्रल आसी गला 4 into केते z plus 3 by 4 ओके होल डिवाइडेड बाय z स्क्वायर माइनस 1 by root 2 रो होल स्क्वायर into dz. Now what you have to do, you know it very well. Amaku etaku
दीटा इंटीग्रेशन रे भाग करिवा पई पड़िबो तो आंसर आसी गला एटी केते 4 इनटू इंटीग्रल ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 रो स्क्वायर जोटा की तमे दी थर खंडे करि सारी छ एटा प्लस 4 आउ 480 कैंसिल हे गला तो प्लस 3 इनटू इंटीग्रल ऑफ 1 बाय जेड स्क्वायर माइनस 1 बाय रूट 2 रो स्क्वायर एटी भी हमर फार्मूला पड़िबो सेमिति करी कि आमे आई वन रो वैल्यू एबे बाहर कर दे परिबा अरे बाबू करी परिबो कि नाही करी परिबो तापरे एठी हमर एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स फार्मूला पड़िबो सेठी रूट ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रो फार्मूला पड़िबो पकेई साइला परे तमे एई आई वन रो मूल्य को नेकी सेठी पकेइबो एफ एक्स रो इंटीग्रेशन रे जोटी हमकू दरकार थिला एक्सक्यूज मी राइट ओके बुझी हला ना नहीं छ माने एटा राइट तो एटा को पके देले हमर आंसर टा आसी जिवो एवरीबॉडी पुट दिस थिंग एंड गेट योर आंसर राइट आंसर बाहर ला ना नहीं मते कहिबो ओके नेक्स्ट छ माने वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 बिट नंबर 5 सो क्वेश्चन नंबर 4 बिट नंबर 5 कौन कहूँ देखी दबा क्वेश्चन नंबर 4 बिट नंबर 5 इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स होल डिवाइडेड बाय ई टू द पावर 2x ई टू द पावर 2x 3 ई टू द पावर एक्स प्लस 1 इंटू dx राइट एबे छ माने कोण हबो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आमे कोण करिवा कि e टू द पावर 2x टाकु आमे लेखि दे परिबा e टू द पावर x रो होल स्क्वायर आ एटी ही आगे सब्स्टिट्यूशन नै जिवा e टू द पावर x टाकु z धरि दबा e टू द पावर x इनटू dx टा हे जिवो dz मो पाखरे क्षमता अछि ताकु देबा पई एतिकि दे देबी ता बदलारे आनी आसीबी dz आ बदलारे पके देबी z स्क्वायर आ बदलारे पके देबी z ता माने हला इंटीग्रल ऑफ dz होल डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 1 तो एटा जदी आसला ताले एटा पुणी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म को पळे आसला जेते बेले सेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म को आसीबो आमकू ताकू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किंबा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म को आनिबा को पड़िबो तो एटी केण कोण करिबो ता परे इंटीग्रल ऑफ डी जेड होल डिवाइडेड बाय एटा हला जेड स्क्वायर 280 नहीं तो मु नै गली जेड स्क्वायर इनटू 2 इनटू जेड इनटू 3 बाय 2 प्लस 3 by 2 रो स्क्वायर माइनस 3 by 2 रो स्क्वायर प्लस 1 ओके तो एटा आसी गला छ माने केते ए टू एतिकी पर्यंत आसी जिवो z प्लस 3 by 2 रो होल स्क्वायर z सॉरी dz by z प्लस 3 by 2 रो होल स्क्वायर और एटा केते हबो 9 by 4 minus 9 by 4 plus 1 तो एटा है जिवो minus 9 by 4 plus 1 तो 84 पड़े गले एटा आसी जिवो minus 5 by 4 तो जोटा की root 5 रो square root 5 by 2 रो केते है जिवो छो बने square yes ठीक अच्छी एति की आसी गला परे तमे z प्लस 3 बाय 2 टाकू किछि गुटे धरी दबो z प्लस 3 बाय 2 टाकू धरी दबो t तो dz टा हे जिवो छ माने dt तो मो पाखरे आसी गला इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय t स्क्वायर माइनस रूट 5 बाय 2 रो होल स्क्वायर ए टाकू तमे सिंपली फार्मूला रे पके दबो आ आमे हमरो आंसर टा पाई जिवा बुझी हला कि नाही एटी फॉर्मूला पके परिबो तो 1 बाय 2a ln t माइनस रूट 5 बाय 2 बाय t प्लस रूट 5 बाय 2
एमती करी ताकु प्रैक्टिस करने को पड़ो। क्लियर छो मैने? हाँ, नेक्स्ट वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 बिट नंबर 6। क्वेश्चन 4 बिट नंबर 6। क्वेश्चन 4 बिट नंबर 6 टा कहूँ क्वेश्चन 4 बिट नंबर 6 इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू डी थीटा। एई क्वेश्चन टा बहुत इजी है जीवो जदि तुम्हें गुटे जिनस को मार्क करिवो, आउ बिल्कुल भी इजी हेबनी जदि तुम्हें सही जिनस टा को मार्क करिवो नाही। तो सेटा हला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा टा को नेक्स्ट स्टेप रे आमे सेक्स स्क्वायर थीटा लिखि दबा, आउ एटी आसीगला टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू डी थीटा। एबे लेट टेन थीटा इज इक्वल टू जेड सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा टा छुआ मने हे जीवो केते डी जेड। तो सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा देबारो क्षमता मो पाखरे अछि, मु देई किना ता पाई ता थारु आनी आसीबी डी जेड, आ बदला रे लिखि देबी जेड स्क्वायर। तो मोर इंटीग्रेशन टा बहुत सहज है कि जेड डी जेड बाय जेड स्क्वायर माइनस 1 हे जीवो, जोटा कि 1 बाय 2 एलएन जेड माइनस 1 बाय जेड प्लस 1 प्लस सी, जोटा कि 1 बाय 2 एलएन टैन थीटा माइनस 1 बाय टैन थीटा प्लस 1 प्लस सी। छुआ मैंने गोटे इम्पोर्टेंट कथाटे तुमको बहुत भलरे जानवाक अच्छी, तुम्हें पार्शियल फ्रैक्शन सेते जाए अप्लाई करी पारिबनी जेते जाए तुम पाखरे रेशनल एलजेब्रिक फंक्शन नहंती। गुटे छुआ कहिबो सर मु एटी टैन थीटा माइनस 1 टैन थीटा प्लस 1 करी ए बाय टैन थीटा माइनस 1 बी बाय टैन थीटा प्लस 1 करले आंसर आसीबो कि? तो आंसर हला हाँ आसीबो, किंतु सेटा मैथमेटिकली से प्रोसेसटा भूल हो जीवो। काहेकि पार्शियल फ्रैक्शन केवल आउ केवल गोटे ही सर्त रे पड़िबो, सेटा हला जेते बेले से फंक्शन टा गोटे प्रॉपर रेशनल एलजेब्रिक फंक्शन हबो। एटा तो होउछि छ माने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जेते जाय आमे ट्रिग्नोमेट्रिक को एलजेब्रिक रे न चेंज कर दैछे, आमे तारो पार्शियल फ्रैक्शन पकई पारिबा नाही। ए गोटे जिनसटा पूरा क्लियर हे जाओ कथाटा। गोटे गोटे छुआ एमती कर दियंती ए डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस 1 प्लस बी डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस 1। सर मोर तो आंसर आसुची आसुची तो मु कोन करबे, किंतु तमरो प्रोसेसटा भूल अछि। काहे कि आमको तो डे 1 रु सिखा हिची कि सेटा एलजेब्रिक फंक्शन हेबा कथा, तमे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रे केमती पकई देलो पार्शियल फ्रैक्शन। तो जदि पकेवा पई चाहुचो आगे से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सब्स्टिट्यूशन नहीं कि अलजेब्रा रो रूप दियो, ता परे तमे सेटा को पकेई पारिबो, नहले पकेई पार जते आर्गुमेंट कले भी आमे सेठी पकेई पारिबा नहीं। ए जिंसटा टिके क्लियर हे जीवो छुआ माने। ओके अच्छा, तो एटा हला छुआ माने हमरो क्वेश्चन नंबर 4। 6टा जाको क्वेश्चन आमे सारी देले, एबे आमे देखिबा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 रे भी ए भलिया भलो भलो जिंस अछि, मु किंतु केवल करिबि छुआ माने क्वेश्चन नंबर 5 रो केतटा सिलेक्टेड क्वेश्चन मु करिबि। हाँ, जोटा इम्पोर्टेंट अछंती मु सेटा को करि दउछि, बाकी सबु तमे करि दबो। क्वेश्चन नंबर 5 टा को फार्मूला उपरे बेस है कि अछि आगो कहि दउछि, से फार्मूला टा हला dx / a स्क्वायर - x स्क्वायर। तो ए फार्मूला टा केते थिला 1 / 2a ln x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए। देख तुमर के भल बहीटे से पूरा सिस्टमेटिकली कर सब जिनस। आ पूर्वर जो फर्मूला पकोले आम एक्स स्क्वायर टा प्लस थिला ए स्क्वायर टा माइनस थिला, तो उपरे एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए आसुला, एबे उपरे एक्स प्लस ए बाई तले एक्स माइनस ए आसीब। ओके तो छुआ मैंने मु डायरेक्टली करी तुमर क्वेश्चन नंबर 5 रो बिट नंबर 4 पाखर मु करी हला। एटा इम्पोर्टेंट
इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय केते 3 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 3 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल मु कोन करबी लेट साइन थीटा इज इक्वल टू जेड कॉस थीटा डी थीटा टा हे जीवो डी जेड मु एमती काहे की कोली एटा हला गुटे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आउ डी थीटा रो सहित कॉस थीटा गुणन हे की थिला जोटा की होची साइन रो डेरिवेटिव तो मो पाखरे सब्स्टिट्यूशन रो गुटे बढ़िया सुजोग टे अछि मु से जिंसर लाभ उठेबा पई चेष्टा करबी आउ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज कर देबा पई चेष्टा करबी अलजेब्रिक फंक्शन रे तो एटा केते हे जीवो इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड डिवाइडेड बाय 3 को मु लिखि दे परिबी रूट 3 रो होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ताले सिंपली एटा जेहेतु बाटर रे आसीछि यू सिंपली पुट द फार्मूला जोटा कि हे जीवो छ माने केते 1 by 2 root 3 ln z plus root 3 divided by z minus root 3 plus c. Jota ki habo 1 by 2 root 3 ln sin theta plus root 3 by sin theta minus root 3 plus c. This is nothing but your answer. This is very important. Sometimes it has been asked in the examination. Okay? Acha. Chua mane next hala mu karibi question number 5 ro bit number 5. Question 5 ro bit number 5. So, question 5 ro bit number 5 ko uchi dekha. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एटा टिके बुझिवार अछि बहुत जिंस एटी टिके आमे अटकी बाटिके बहुत जिंस बुझिवार अछि एटी एक्स स्क्वायर डीएक्स बाय एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 छुआ माने देखो तमे कहिबो सर एटा तो हला क्वाड्रेटिक फैक्टर अछि क्वाड्रेटिक फैक्टर अछि तो आमे ए एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 सी एक्स प्लस डी बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 करि कि तो सर एटा को करि परिबा तो आंसर इज यस तमे आराम से करि परिबो किंतु आमो पाखरे 8 रु भी सहज बाट अछि मोर कहबार माने हला तमे एठी जत्ते बेले देखिबो ओहो डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर टा कम अछि डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर टा बेसी अछि तळे नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक अछि सिंपल गुटे कामटे करिबा आमे पार्शियल फ्रैक्शन रे याकू भांगी दबा ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 करिके आमे भांगी दबा हमर काम खतम करि परिबा ना नै हां अच्छा एबे देखो आमो पाखरे किंतु आउ गुटे सहज बाट अछि छुआ माने हला किंतु एथि पई गुटे जिंसट मते बुझिबा पई पडिबो आमे कोन करिबा एई एक्स स्क्वायर टाकु एक्स स्क्वायर रूप रे न देखि कि अलगा किछि बाट रे देखिबा माने आमे कोन करिबा छुआ माने एक्स स्क्वायर टाकु मने करो जेड नै जिबा किंतु एतकी जिंस मार्क करो जे एटा सब्स्टिट्यूशन नुहे एटा मु सब्स्टिट्यूशन करूनी काहे कि x स्क्वायर को z नेले पुनी 2x dx टा पुनी dz हि जिवो कथाटा अलगा आड को पळेबो मु केवल मने मने एटा कहिबा पई चाहू छी जे एठी भी x स्क्वायर एठी भी x स्क्वायर एठी भी x स्क्वायर अछि मने करो एई केस रे एई पर्टिकुलर एई ही प्रॉब्लम रे मो पाखरे गुटे सुजोग टे अछि जे जदी एटा x स्क्वायर न हे कि z थांता तो जेड थिले कोन हे जथंता एटा हे गला जेड बाय जेड प्लस 3 इनटू जेड प्लस 2 इनटू डी जेड हे थंता कि नहीं छवा माने एटा राइट किछि टिके टिके बुझी होउ जे मु कोन कहिवा पई चेष्टा करू छी हां तो कथाटा एटा हेला जे आमे जदी किछि समय पई एटा को धरि दबा जेड तो आमे देखिबा जे एई क्वाड्रेटिक जिंसटा
चेंज होना पलि आसला को जिनस को लिनियर जिनस को ओके एटा वांस लिनियर फॉर्म को नहीं गला तो आम पाखे सुविधा कौन हम आउ मत ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी पकेबापाई पड़बनी मत कौन करवाई पड़ मत केवल ए डिवाइडेड बाय एतिक बी डिवाइडेड बाय एतिक करिकरी ही मोर प्रॉब्लमटा सॉल्व हो बुझेगा तो सेटा मु करी अच्छा जदि भी तुम्हें कह ठीक अच्छे चल सब्सटिट्यूशन नेले मध्य चलिबो एटा केते 2x dx टा हे गला केते छ माने dz एउटु मु कहि परिबि कि ये हे जाउची केते ये हे गला एतिकी रूट जेड हे गला x इज इक्वल टू केते हे गला छ माने रूट जेड हे गला तो डी एक्सटा हो 1/2 रूट जेड इंटु डी जेड हो गला मन कर आम जदि एमती कले करे भी मध्य हला अच्छा जदि एतिक आसीगला छुआ मैंने तेल आम कौन करवा ये पकेबा तो पकईदे केते ये हो जाऊ जेड जेड प्लस 3 जेड प्लस 2 1/2 रूट जेड अच्छा सब्सटिट्यूशन नहीं जीवाटा सेफ छुआ मैंने हाँ सब्सटिट्यूशन नहीं जीवा आम तो ये रूट जेड गुटे गुटे कटिज तो मो पाखे आसब छुआ मैंने के 1/2 इंटीग्रल ऑफ रूट जेड बाय जेड प्लस 3 इंटु जेड प्लस 2 इंटु डी जेड राइट एबे मु देखुची जे डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर पार्शियल फ्रैक्शंस रे ताकु ब्रेक कर दियो पार्शियल फ्रैक्शन रे ब्रेक कला बेलकु एई थर को फॉर्म को तमे सिलेक्ट करिवो तो आंसर हला नॉन रिपीटेड लिनियर फॉर्म रे अछंती तो ए बाय जेड प्लस 3 प्लस बी बाय जेड प्लस 2 तापरे ए आउ बी रो वैल्यू जेड रो वैल्यू पके पके का बाहर कर दियो तापरे ताकु इंटीग्रेट कर दियो एलएन एलएन रे आसीबो हमर आंसर हेबो ना हेबो नी एटा बुझी हला ना नहीं देखो तमे एटा को डायरेक्टली ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी नहीं कि भी करी पारी थांतो वेल एंड गुड किसी असुविधा ना किंतु आम जेहेतु गोटे सब्सटिट्यूशन नहीं गला परे ए क्वाड्रेटिक जिनसटा लिनियर को पलि आसला लिनियर हेले लाभटा कौन हम मत केवल ए आउ बी रो वैल्यू बाहर करिया को पड़िबो क्वाड्रेटिक हेले कौन हम मत ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी ए बी सी डी चारि जनकर मूल्य बाहर करिया को पड़िबो सेतिपई मो प्रिफर करबी जे सेटा लिनियर हे जाउ आ बाटोटा भी इजी क्वाड्रेटिक हेले मत पुनी कोफिशिएंट कंपेयर करी करी किना बाहर करिया पई पड़िबो राइट तो ए भलिया करी कि तमे करि दे पारिबो ठीक ओके नेक्स्ट छुआ मैंने आम जीवा क्वेश्चन नंबर यस क्वेश्चन नंबर 5 रो बिट नंबर 7 दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन सीएचएससी 2019 सीएचएससी 2019 रे ए क्वेश्चन टा पढ़ीला एटा पढ़ीला ना ए टाइप रो किछ गुटे पढ़ीला एक्चुअली आमर आउ नेक्स्ट एक्सरसाइज रे भी ए टाइप रो दुईटा आउ क्वेश्चन अछि तो ए तीनटा भितरु जे कोनसी गोटे किंतु पढ़ीला कोठी ना सीएचएससी 2019 रे तो ए क्वेश्चन टा टिके इंपोर्टेंट आमे देखिबा हां तो क्वेश्चन नंबर 5 बिट नंबर 7 पक्कु जीवा रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू ट्राई जदि न हुए मते कहिबो केमिति कहिबो रे कमेंट्स माध्यम रे कहिबो हला ऑब्वियसली मो तमकु डेली डेली कहूची कि कमेंट्स माध्यम रे तमरो जहां सुविधा असुविधा मते जणाओ कहि कि किंतु केतेटा स्पेसिफिक छुआ मान को छाड़ी देले आउ केही जणो ना हो तारो दुईटा मीनिंग बहुत क्लियर बाहरुची तीनटा मीनिंग बाहरुची एक नंबर मीनिंग हला तमे किछि भी बुझु ना हो दुई नंबर मीनिंग हला तमे सब किछि बुझी जाउ छ आउ तीन नंबर मीनिंग हला तमे वीडियो ही देखु ना हो तो ए तीनटा भितर किछि गुटे जिंस होउची जहां पई कि तमे कमेंट्स आउ करू ना हो तो ट्राई करो छ माने कमेंट्स रे किछि किछि देबा पई ताकि मते भी जना पड़ू जे तमे माने एक्चुअली करू छ ना नहीं कहि के ओके तो छ माने देखो कोन हबो एटा अछि मोर देखो इंटीग्रल ऑफ डीएक्स
ध्यान दे कि बुझिबो ए कथाटा डिवाइडेड बाय sin x 3 प्लस 2 cos x 3 प्लस 2 cos x ओके एबे देखो छ माने तमे कोन करबो ना एठी जहा अछि एठी तार कॉम्प्लीमेंट अछि देखो माने गोटे रे sin अछि तापरे cos अछि नहले एठी जदी cos थांता एठी sin थांता दुई जन कर फॉर्मटा एका मु एठी कोन करबी देखो जोटा भी एठी अछि ब्रैकेट भितरे तार उल्टा टाकू ऊपर तले गुणन हरण कर दियो माने एटा हे जीवो sin x होल डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x इनटू 2 cos x प्लस 3 dx वेरी इंपोर्टेंट sin स्क्वायर को मु लेखि परबी 1 माइनस cos स्क्वायर ताले एटा हे जीवो इंटीग्रल ऑफ sin x 1 माइनस cos स्क्वायर x 2 cos x प्लस 3 dx एबे 1 माइनस cos स्क्वायर को मु a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सूत्र पके कि केते कर देबी छ माने मु कर देई परबी एटा गुटे लॉन्ग क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट वन तो sin x बाय 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x 2 cos x प्लस 3 एबे तमरो दिमाग रो बत्ती जलाओ आउ मते कह नहले जहार दिमाग रो बत्ती जळु नहीं तमे मेंटोस खाओ तो खाई की निजो दिमाग रो बत्ती जळे की कहो कि नेक्स्ट स्टेप रे हमकु कोन करिवा कथा हला तो नेक्स्ट स्टेप रे हमकु कोन करिवा कथा cos x टाकु टी धरि दबा कथा cos x को टी धरिले माइनस sin x dx टा हे जीवो dt किंबा sin x dx टा हे जीवो छ माने माइनस ऑफ dt तो हमें sin x dx दे दबा सॉरी dx अछि दे दबा ता बदला रे आनी आसीबा माइनस dt आ ए मान को बदला रे सब t t पके दबा एठी राइट पके देले केते आसुची ना माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ टी सॉरी डीटी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी 1 प्लस टी 2 टी प्लस 3 आमे गुटे सुजोग रो फायदा उठेबा पई चेष्टा करिबा एटी माइनस अछि आ एटी 1 माइनस टी अछि ए माइनस टा आ सहित गुणन कर दबा तो आसीबो केते छ माने इंटीग्रल ऑफ dt डिवाइडेड बाय t माइनस 1 t प्लस 1 2 t प्लस 3 हला एबे तमे ए क्वेश्चन को भलिया देखु छ तो मते तो ए क्वेश्चन टा दिसु छि गुटे नॉन रिपीटेड लिनियर फैक्टर भलिया तमको को भलिया दिसु छि ऑब्वियसली सेमति ही दिसिबो हां एप्पल टा तुमको एप्पल भलिया ही दिसिबो कि आंबो भलिया दिसिबो राइट तो सेति पई हमरो एटा ए टाइप रो हेई गला एबे कोन करिवार अछि पार्शियल फ्रैक्शंस रे ब्रेक कर देवार अछि केमति ब्रेक करिवो a by t minus 1 plus b by t plus 1 plus c by 2t plus 3 and then after you know what you have to do ei question ta samaste kari ki mate comment section re nihati kahibo ki eta asila na nahi kai ki jo mane kahibo ni se mane jani thao je ei type ro question already 2019 re padi sarichi आउ हुए तो 2021 रे भी पढ़ी जाए पारे किछि तार ये नहीं तो सेति पई तमे माने एही क्वेश्चन रो आंसर निश्चय मते करी कि कमेंट सेक्शन रे देखेबो सो विथ दिस वी कंप्लीट योर एक्सरसाइज ऑन इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस इन द नेक्स्ट क्लास we will deal with some special type of people some vip type of persons and thus the name of the topic is also some special thing that is special integration next class re ame kon kariba kete ta integration achanti jo mankar tike
କିଛିଟା ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ VIP ଭଳିଆ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନଦେଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବେନି, ସଲ୍ଭ ହେବେନି ସେମାନେ। ତ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ତେଲ ମାଲିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କି ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ ଏମିତି ଏମିତି ଇଏ ହୁଅନ୍ତୁ କହିକି, ତ ସେମିତି ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ୱିଥ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ଟପିକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ୍ସ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ କିପ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସିଂ, ଟେକ୍ ଗୁଡ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।